बोला था कि इंडिया की सीरीज आए, इंडिया की इनिंग्स आएगी, सो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। बैटिंग करनी है इंडिया को, अच्छे रन्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज आई थिंक जो 44 का ये लोग टारगेट दिए है, सो आसान तो बिल्कुल चीज़ नहीं रहेगा, बट देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है एंड किस। चलिए रिज्यूम करके किसके हित में जाता है ये मैच, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो शिखर धवन एंड केएल राहुल को भेजा हूँ 45 रन सिर्फ 30 बॉल्स पे बनाने हैं। ये पहली बॉल कगिसो रबाडा डालते हुए एंड पहली बॉल पे चौका मार दिया है। ऐसे ही रन बनाने होंगे, बहुत बड़ा टारगेट तो दे दिया ये लोगों ने, बिकॉज 50 बहुत मुश्किल से बनते थे वो केप टाउन पे। ओके यहाँ बहुत बड़ा विकेट, ओके मैं जानता था विकेट था, मैं जानता हूँ शिखर धवन बहुत जल्दी खेल बैठे हैं एंड आउट हो चुके हैं। अब विराट कोहली की बारी आई है, आज इनको दिखाना पड़ेगा। सो पहली बॉल पे ही दिखा दिया है छक्का एंड मैच में तो पूरी तरीके से इंडिया आ चुकी है, सिर्फ 8 रन और है, मतलब 8 रन है जो मार्जिन होती है, मतलब ज़्यादा रन बनाने की। वो मतलब हर बैट्समैन एक छक्का बना के एक चौका बना के आउट हो रहा है एंड अब विराट भी नहीं रहे, तो अब विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं। सो अब देखते हैं, दोनों नए बैट्समैन तो नहीं, शुभम गिल नए हैं एंड ये नए नहीं हैं, बट यहाँ पर यंगस्टर्स का भी विकेट गिराते हुए कगिसो रबाडा एंड मैच में अब जो इतने रन बनाने, ओके लॉर्ड को भेज दिया है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर प्लीज कुछ कर दीजिए यार, विकेट जल्दी ड्राइव की, इजी इजी, अच्छा आसान नहीं है, इजी इजी क्या तो राउंड क्या आसान नहीं है। सो गाइस एक बहुत बड़ी बात, थैंक यू कि आप 28 डेज के अंदर 400 व्यूवर्स एंड 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा चुके हैं। सो 4 घंटे का हुआ एंड 4000 तक जाना है, तो जल्दी ही कराइए, ऐसे ही दुआ देती रहिए, मतलब थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड यार मुझको तो आज तक ये भी नहीं लगा था कि मैं 4 घंटे का वॉच टाइम सिर्फ 28 डेज में कर पाऊँगा, बट आप लोग की वजह से ये भी पॉसिबल हो पाया है। आज मैं ऐसे YouTube स्टूडियो चेक करने की मेरी हर दिन आदत है, तो मैं ऐसे ही चेक करा एंड मेरा Q&A आने वाला है मेरे चैनल पे, बट अभी नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने, ठीक है। अभी तो वैसे भी सबका एनुअल एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ उसके बाद ही मैं सब करूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम के समय मैं रिकॉर्डिंग नहीं बनाऊँगा, जानते हैं यार एग्ज़ाम, सबका एग्ज़ाम है। फरवरी के बिटवीन, फरवरी के 15 तारीख से लेके बूढ़ा फरवरी ख़त्म, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। या तो मैं ऐसा करूँगा रिकॉर्डिंग पहले बना के रख लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा यार, बहुत विकेट गिर चुके हैं, अब तो रन बनाने ही पड़ेंगे, अब स्टार्ट करना पड़ेगा वही खेल। इस ओवर में वैसे भी 2 ही रन आए थे। अरे यार बैट बॉल पे लगी नहीं रही है, बॉल बैट पे लगी नहीं रही है, लुंगी निगड़ी आ चुके हैं, लेकिन अब निगड़ी को जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब ऋषभ पंत हैं और यहाँ छक्का, रन्स की ज़रूरत थी उसको लाया है। अब ऐसे ही मैं तेज़ तेज़ खेलूँगा क्योंकि अब रन्स बहुत चाहिए, जल्दी खेलना पड़ेगा। एक और छक्का, बॉल आई और गई, हैट्रिक ऑफ सक्सेस क्या हो पाएगा, हैट्रिक ऑफ, ओ नो, हैट्रिक ऑफ सक्सेस की जगह विकेट है, बट इन्होंने एक अच्छी पोजीशन पे ले आई है इंडिया की टीम को, सो अब नो प्रॉब्लम, अब तो सूर्य कुमार ही बना लेंगे भाई। और वैसे भी ये लोग ऐसी बॉलिंग करा रहे हैं, लुंगी निगड़ी बड़ा विकेट दे दिया, ओके यहाँ सिंगल, ऐसे अब तो रन भी बना सकते हैं, ज़्यादा रन की अब ज़रूरत भी नहीं, बट 148 की स्पीड भाई, तोड़ डालोगे क्या। लेकिन इंडिया वाले ऐसे टूटते नहीं हैं, यहाँ रन नहीं मिल पाएगा, इस ओवर में कुछ तो रन आए हैं क्योंकि अभी तक तो एक भी रन नहीं आ पाया था।
देखते हैं इस ओवर में कितने रन आते हैं क्योंकि लास्ट ओवर है। एंड इस बॉल पे चौका भाई, मतलब अब बहुत आसान कर दिया है अश्विन ने। मतलब सूर्य कुमार तो मार नहीं रहे, अश्विन मार रहे हैं। जो बैट्समैन है वो नहीं मार रहे, सिर्फ बॉलर्स मार रहे हैं। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को देखिए, ज़रूर वो जल्दी आउट हो गए, बट शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत 2 रन, बट कंट्रीब्यूट तो किया भाई। आजकल एक एक रन बहुत कीमती होता है। सिंगल 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 डबल भाग चुके हैं, मिल भी जाएगा, मिल भी जाएगा, मिल भी जाएगा, मिल भी जाएगा, नॉट आउट है भाई। मैं आउट कैसे भाई, इतना तो दूर था। लेकिन अब मैच में बहुत दिक्कत हो चुकी है क्योंकि अब बॉलर्स को, बॉलर्स ही सारे बचे हैं। चलिए अच्छा किया कि शॉट मार दिया भुवनेश्वर कुमार ने। बहुत बुरी स्थिति में अभी तो इंडिया, केशव महाराज की बॉल पे 6 रनिया लगाते हुए भुवनेश्वर कुमार, 3 रन की ज़रूरत, 9 बॉल पे छक्का मार के भी सीधा मतलब जीत सकते हैं, लेकिन क्या वो करेंगे। आउट, बहुत बड़ा विकेट, अभी सिर्फ 2 विकेट बचे हैं इंडिया में। एंड भुवनेश्वर कुमार की एक बहुत अच्छी पारी फॉर इंडिया, इंडिया एंड अगर इस बॉल पे छक्का लगता है तो फिर, अरे नहीं, यहाँ एक और विकेट गिरा बैठे हैं। एंड अब तो मैच में आती हुई साउथ अफ्रीका, ये लास्ट विकेट है। एंड अब जसप्रीत बुमराह, केशव महाराज 1 तो रन आउट के द्वारा आया था, यहाँ पर सिंगल मिल चुका है इस ओवर में। मतलब 6 रन तो आए, लेकिन ये सामने मार सकते हैं, ज़रूर मार सकते हैं, खेल लेंगे। और यहाँ पर इंडिया हार चुकी है, एंड बहुत बड़ी हार इंडिया के लिए। मतलब बहुत बुरा लग रहा है। अरे ये क्या हुआ भाई, इसमें एक बग है कि मतलब आउट होता है 5-6 सेकेंड अपने आप नॉट आउट हो जाता है। मैं भी नॉट आउट हो गया, बढ़िया है। एक और रन भाग चुके हैं इंडिया वाले, हम तो हैं इंडिया वाले भाई। फिर से वही बग, बढ़िया है, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है इसमें। नहीं ऐसा नहीं होता है कभी। चलिए गाइस, लेकिन सचिन सागर में ऐसा नहीं होता यार। सचिन सागर नहीं, मैं अगर मेरी वीडियो को सचिन सागर वाला देख रहा है मैं जानता हूँ कोई ऐसा बग, मतलब शायद कुछ खराबी हो गई हो, बट आप लोग गलत नहीं कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ गाइस, हाँ मैं वो 10 पॉइंट जो होते नहीं वो दे दिया। मैं इंडिया को हारते नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉरी बट चलता रहता है यार। सॉरी बट अब ऐसा नहीं होगा, पक्का, आई स्वेयर, ठीक है, बस इस बार। सो बाय, एंड अगली वीडियो जल्दी ही आएगी।